हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2020 के अलॉटमेंट लेटर और अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है, कैसे चेक करना है आपको वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आप नीट 2020 के यूजी कोर्सेज के जो अलॉटमेंट लेटर हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट है, उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है नीट यूजी 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ नीट यूजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप इसे सर्च करेंगे एग्जैक्टली जैसा मैंने लिखा है, इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट यूजी 2020 और यहाँ पे लिखा है IAS पेपर, एग्जैक्टली यही चीज़ शायद यही चीज़ मिल चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, मॉकअप राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हो गया 17 सितंबर को। और जूम कर देता हूँ इसे 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए मॉकअप राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है 17 सितंबर को, और मॉकअप राउंड का अलॉटमेंट लेटर भी रिलीज़ हो गया 17 सितंबर को। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप चेक करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टाइम में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं नीट 2020 मॉकअप राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट आउट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक करेंगे अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जो है वो इसके लिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट पॉपअप राउंड का जो लेटर है वो है, और इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर है, कोई गलती नहीं करनी। ओके, और यहाँ पे कैप्चा लिखना है, कैप्चा जैसा है वैसा ही लिखना है। जैसे एम जे कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, और स्मॉल है तो स्मॉल, एम बी जेड के। ओके, और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो अलॉटमेंट प्रोसेस का जो नीट का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।